विवाह हुआ, पुत्र का जन्म हुआ, श्रीमती का देहांत हो जाता है, फिर दूसरा विवाह किया, दूसरा पुत्र जन्म लिया, वो श्रीमती भी मर जाती है, बड़े बेटे के महाराज जब पुत्र बड़ा हुआ शादी कर दी, सेठ जी का स्वर्गवास हुआ। अब बड़ा भाई, बहुत ध्यान देना, बड़ा भाई विवाहित है, छोटा भाई महाराज भौजाई और भाई के साथ में रहता है, और बड़ा भाई बड़ा ध्यान रखता है छोटे भाई का। एक दिन छोटा भाई बीमार हुआ, अब बीमार हुआ कोई सी भयंकर बीमारी लगी, शहर के बड़े हॉस्पिटल में लेके गए, और शहर के हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर साहब ने कहा भैया इसका इलाज तो बहुत महंगा होगा। भाई ने कहा भाई कीजिए, मेरा भाई है, खूब खर्चा होने लगा, आखिर में ये नौबत आ गई ऑपरेशन होगा, और ऑपरेशन में इतना धन चाहिए कि उस व्यक्ति की आधी जमीन आधी दौलत चली जाए। उसने अपनी पत्नी से कहा क्या करें, तो श्रीमती क्या कहती पता है, अरे इसको बचा लेंगे तो आधी दौलत तो अभी चली जाएगी, और ये बच जाएगा तो फिर ये जब बंटवारा करेगा तो आधा फिर चला जाएगा, ऐसा करो डॉक्टर साहब से कह दो चला ही जाए तो ठीक है। और दोनों पति पत्नी गए डॉक्टर साहब के पास, और डॉक्टर साहब से कह रहे हैं डॉक्टर साहब ऐसा कुछ उपाय नहीं है कि ये मर भी जाए और किसी को पता भी नहीं लगे। डॉक्टर ने कहा उपाय तो है, फीस ज्यादा लगेगी। बोले हाँ हाँ लगेगी तो देंगे। डॉक्टर ने स्लो पॉइजन की गोली लिखी महाराज, धीरे धीरे एक गोली देना, एक महीना दो महीने तीन महीने, भाई की छुट्टी करवा ली, घर ले आए, तीन महीने तक गोली दी, और तीसरे महीने होना क्या था, भाई मर गया। समय बीता, ध्यान देना, एक साल दो साल तीन साल बाद पति पत्नी जो दंपति थे उनके एक बेटा हुआ, खूब उत्सव मनाए, बेटा पढ़ने जाने लगा, कॉलेज गया, डिग्री की, बेटे का विवाह कर दिया, और बेटे का विवाह करने के बाद वो बेटा भी उस भाई की तरह बीमार हुआ, और जब बीमार हुआ ना, हर हर उसी हॉस्पिटल में लेके गए, डॉक्टर ने कहा इसे भी वही बीमारी है जो भाई को थी। वो पिता कह रहा है मेरे बेटे को बचा लो, आप जितनी दौलत लगे सो लगा दूंगा, आधी संपत्ति चली गई, आधी दौलत चली गई महाराज, और आखिरी में माता पिता बेटे के पास जाकर रो रहे हैं, भाई हमने कौन सी गलती कर दी जो ऐसा हमारे साथ हो रहा है, और व्यक्ति कितना कितना महाराज कितना समझदार बनता है, संकट आए तब किसी बात करता है, मैं तो कभी बुरा काम किया ही नहीं, मैंने हमेशा अच्छा ही किया, अरे बुरा काम नहीं किया होता तो कर्म के महाराज ऐसा मिलता ही नहीं है, संसार में कोई किसी को दुख नहीं दे सकता और कोई किसी को सुख नहीं दे सकता, अपना किया गया कर्म ही हमें दुख देता है और अपना किया गया कर्म ही हमें सुख देता है, ना बेटा सुख देता है, ना बहू सुख देती है, ना परिवार वाले सुख दे सकते हैं, अगर बेटा अच्छा है, बेटा आज्ञाकारी है तो समझ लो आपके कर्म अच्छे, तो जो पुत्र महाराज बहुत अच्छा है। अब बेटे को बीमारी हुई, रोने लगे कि हमने तो कभी गलती की नहीं थी, ऐसा क्यों हुआ, तो वो मेरा बेटा सेट करने लगा, तो वो बेटा कह रहा कौन बेटा कौन पिता, अरे मैं तो पिछले जन्म का पूर्व जन्म का आपका भाई हूं, और मेरी संपत्ति आप हड़प के बैठे थे तो मैं तो अपनी संपत्ति लेने आया था, आज आपने मुझ में मेरी संपत्ति लगा दी, आपका और मेरा हिसाब बराबर, अब मैं जा रहा हूं। अब जैसे ही कहा ना महाराज, तो माता पिता रोने लगे, चलो मान लिया हमारी गलती थी, पर जिसके साथ तुम्हारा विवाह हुआ उसकी क्या गलती थी। उस समय वो बेटा रो कर कहता है उसकी इतनी गलती थी कि जिस डॉक्टर ने गोली लिखी थी ना स्लो पॉइजन की, वो गोली लिखने वाला डॉक्टर और कोई नहीं था, यही था। इसलिए महाराज दुनिया में किसी से ही मत डरो, ना भाई से डरो ना पिता, महाराज किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, अगर डरना है तो अपने कर्म से डरो, क्यों, क्योंकि कर्म तो खुद को ही भोगना पड़ेगा। शास्त्र की नहीं मानी मत मानो, संतों की बात नहीं मानी मत मानो, माता पिता की नहीं सुन रहे मत सुनो कोई बात नहीं, बड़ों की नहीं सुन रहे मत सुनो, पर महाराज कर्म करते समय डरो, किसी से नहीं डरना मत डरो पर कर्म से डरो, कर्म महाराज खुद को ही भोगना पड़ेगा। हर हर, वो कहते ना ये हाथ मिट्टी में महाराज
हो जाएंगे तो धुल जाएंगे, भोजन में हो जाएंगे तो धुल जाएंगे, पर कमाई करते समय अगर गंदे हो गए तो फिर धुलने वाले नहीं है महाराज।